और कहते हैं कि इंसान यदि चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के कैंथवा गांव में रहने वाले दिनेश भारती से, जो कहने को तो कक्षा पांचवी तक ही पढ़े हैं, लेकिन आज उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्रों वाला काम कर दिखाया है। दरअसल ऑटो चालक दिनेश के दिमाग में आया कि क्यों ना अपनी मोटरसाइकिल में कुछ तब्दीली कर गैस सिलेंडर से चलने योग्य बनाया जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी बाइक को गैस सिलेंडर से चलने योग्य बनाया। दिनेश का कहना है कि उनकी मोटरसाइकिल 1 किलो गैस में 110 किलोमीटर दूर तक का सफर तय कर सकती है। भैया आपका? मेरा नाम दिनेश भारती। दिनेश जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? मैं ग्राम कहता हूँ जी। ग्राम कहता हूँ, ग्राम कैथवा के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है? शिक्षा सर मैं 5 तक पढ़ा हूँ। 5 तक पढ़े हैं। अच्छा, और आपने एक नई तकनीक का इजाद किया है, आपने पेट्रोल से चलने वाली बाइक को गैस से यानी घरेलू गैस से आपने चालू किया। उसमें तो ये तकनीक आपके दिमाग में कैसे आई, कैसे आपने ये किया? मैं सीएनजी चला रहा था ऑटो रिक्शा जी, तो हमने जब देखा कि वो चल सकती है तो 4x6 व्हीलर चल सकती है तो ये क्यों नहीं चल सकती है जी। तो हमने अपने घर पे बड़ा सिलेंडर था, उससे हमने चालू किया जी। तो चालू हो गई, उसके बाद फिर हमने अपना दिमाग लगाया, फिर कहीं से वो किट ढूंढी तो ये चालू कर दी फिर गाड़ी। अच्छा, वो कौन कौन से बदलाव होते हैं जो आपने एक पेट्रोल बाइक में किए हैं और आप उसको जो है गैस से कन्वर्ट कर पाए? नहीं, उसमें बदलाव कुछ नहीं है जी। जो आप मतलब उसमें कुछ नया नहीं डालना है जी। ऑटोमेटिक जो आपने सिस्टम लगाओगे उसमें ऑटोमेटिक चालू। क्या सिस्टम चेंज कैसे किया आपने, बताएं जरा। नहीं, किट के ऊपर होता है सब कुछ सिस्टम, खाली किट डालनी पड़ती है। किट डालनी पड़ती है। ये किट कहाँ उपलब्ध होती है और कैसे डलती है, क्या क्या चेंज? राजकोट में मिलेगी, यहाँ मिलेगी भी नहीं। अच्छा, तो जैसे आप किट लेके वहाँ से आए थे तो बाइक में आपने उसको कैसे फिट किया था और उस पर आपको कितना भरोसा था कि ये काम करेगी? नहीं, भरोसा हमें था इसलिए हमने चालू कर दी। चालू हो गई, पहले हमने ऑटोमेटिक चालू किया था बिगर किट का जी, तो चालू हो गई, तो हमने फिर किट पे चालू किया। अच्छा, ऑटोमेटिक जब आपने बिना किट के चालू किया था तो उस समय अपनी बाइक में आपने क्या परिवर्तन किए थे? परिवर्तन ये कुछ नहीं किया था, फिर भी कुछ नहीं किया था, कंट्रोल नहीं होती गाड़ी जी। ऑटोमेटिक चालू रहेगी, ऑटोमेटिक बंद करोगे तो गैस बंद नहीं होगी, इसमें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। कहते ना कि इंसान अगर चाहे कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कहने को तो कक्षा 5 तक, लेकिन उन्होंने काम जो है इंजीनियरिंग के छात्रों जैसा किया है। बिल्कुल इंजीनियरिंग के छात्रों को टक्कर देने वाली बात है ये सामने। मामला जनपद जालौन के कैथवा गांव से, कैथवा गांव के रहने वाले दिनेश भारती कक्षा 5 तक पढ़े हैं, ऑटो ड्राइवर है, लेकिन उन्होंने अपनी एक टेक्निक दिमाग से उनके आई, क्योंकि ऑटो चलाते हैं। उनका कहना ये था कि जब डीजल पेट्रोल की दिनों दिन बढ़ती कीमत आपको जो है महंगाई के आंसू रुला रही है, ऐसे में सरकार इसके अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है, और ऐसे में जब बायोडीजल या इलेक्ट्रिक या और सीएनजी एज अन्य जो है ऊर्जा की जो विकल्प है उनका इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में क्यों ना अपनी मोटरसाइकिल में भी ऐसा किया जाए। क्योंकि मोटरसाइकिल कंपनी वाले कहते हैं कि 50 किलोमीटर का एवरेज देगी, 60 का देगी, 80 का देगी, लेकिन हकीकत में जब दौड़ती हैं गाड़ियाँ मुश्किल से 50 या 60 किलोमीटर का एवरेज ही आता है। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि अपेशे से ऑटो ड्राइवर है, तो उनका कहना यह था कि जब सीएनजी से ऑटो चल सकता है तो बाइक क्यों नहीं। लिहाजा बंदे का दिमाग घूमा और घूमने के बाद वो गुजरात पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक विशेष तकनीक का जो है वहां पर लोगों को देखा और एक किट एक ईजाद की वहां से लेकर आए, और यहां पर लाने के बाद उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उस किट को लगाया। किट को लगाने के बाद घरेलू गैस का जो गैस होती है वो डालने के बाद बाइक अब उनकी 110 किलोमीटर 1 लीटर में चल रही है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलने वाली बाइक 1 किलो गैस में 110 किलोमीटर का सफर कर रही है, वो भी 203 सवारियां बिठाने के बाद। हमने जब इनसे बात की, दिनेश जी से बात की, तो उनका कहना यह था कि देखिए, गरीबी की हालत में यहाँ रहे हैं, गांव में रहे हैं, कक्षा 5 तक मुश्किल से पढ़ पाए हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके बाद वो पहले तो ट्रकों के मैकेनिक रहे, उसके बाद फिर जब उस वहाँ भी पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने ऑटो चलाना स्टार्ट किया नोएडा में। नोएडा में भी ऑटो चलाने पर मुश्किल से 10 से 12-15 हज़ार रुपये पैदा होते थे। क्या वहीं पर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो। आज उन्होंने ये काम करके दिखाया। हमसे बातचीत में हमने उनके दोस्तों से भी बात की, दोस्तों का भी कहना ये था, गर्व है उन्होंने अपने इस दोस्त पर, क्योंकि दोस्त ने वो काम किया है जो एक
अच्छे अच्छों के दिमाग में नहीं आता, यानी कि उन्हें गर्व है, उन्हें बड़ी खुशी होती है कि उनका दोस्त है दिनेश भारती, उसने ये काम किया है। यानी कि एक गांव के